हाँ, तो स्विमिंग पूल जब जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं सारे बच्चे सभी हैं, बड़े लोग हैं कि नहीं, बस हम ही लोग जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ही लोग होंगे, हम ही लोग चलेंगे। क्या करने वाले समझ रही है तुम? एनी गेस? और यहाँ पे हमारे पति भी सोके उठ चुके हैं। सोके उठे नहीं है, बस उठाया गया कि उठ जाइए, 8:30 बज चुके हैं, लेट हो जाएगा निकलने में। क्या बोले पापा जी? सही बात, टाइम से खाने के बाद चलना फिरना दूभर है, मुश्किल है। अभी टाइम होगा तो क्या हालत होगा, घिसक के चलना पड़ेगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, चेहरा हमारा लग रहा होगा एकदम भकोया हुआ। जी हाँ, इसी भाषा में बात करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी ही स्थिति है अभी। पिछले कुछ दिनों से ड्राइव, पार्टी, ड्राइव और बस यही सब करते करते जो है थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। और नैन्सी दीदी के घर में है जी, और यहाँ पर अभी खाना वाना खाए हैं, और खाना खा करके जो फिर जाएंगे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का यहाँ से प्लान है फिर खाटू से हम जाने का, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से फिर से हम लोगों को रिटर्न होकर के आना है। तो 1400 किलोमीटर हो गया हमारे घर से यहाँ का डिस्टेंस, और खाटू श्याम भी लगभग 400 किलोमीटर तो होगा ही, तो 1800 किलोमीटर का लगभग जो हम लोगों का सफ़र होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ रुद्र भाई सब का अपना खाना सब लगा हुआ है, और आप लोग से प्लीज़ कमेंट नहीं कीजिएगा कि बेड पर खाए खा रहे हैं, क्योंकि अभी घर में जो है पूरा जगह एक एक कोना कोना भरा हुआ है। अपना इंटीरियर नहीं करवाया हुआ है तो स्पेस कम है और सामान ज़्यादा है, आदमी भी ज्यादा थोड़ा हो गए हैं, जिस वजह से एक तो शहर में तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा होता है। बिल्कुल, तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। और उसके बाद में हमारा बेटा खाते रहे, मम्मी अपने डाइट का पूरा ध्यान दे रही हैं। हाँ। और उधर से हमारा गतिक महाराज भांजे जी, वो अपना पानी पी रहे हैं। ठीक है, अपना पानी सब पीजिए। ये अपना खेल रहे कार से, सब बच्चे अपने एक काम पे लगे हैं, ये भी अपने काम में लगा हुआ है। झगड़ा कर सासू माँ, अपनी सासू माँ से झगड़ा करे होती है क्योंकि सांस रुकनी चाहिए। तो मम्मी कह रही है कि वो गाड़ी चला के आया है तो उसको रेस्ट करने की जरूरत है। हम बोले नहीं, तो आपका पोता को हम लेके आए, वो कम बड़ी बात है क्या? हाँ, उसके साथ रहना कम बड़ी बात है, तुम्हें बता। ये बात सही, कितना टफ होता है बच्चों को लेके गोदी में बैठा के, उतना 1500 किलोमीटर ड्राइव। तुम्हारी सास कहीं नहीं रुक रही है यार। तो अभी बज रहे जी शाम के 7:45, और नीचे आ गए हैं नैन्सी दीदी का तो सोसाइटी में एक कंपाउंड है, तो वहीं पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर सारे बच्चे सब खेल रहे हैं पार्क सब में, और उसके बाद जो है हम लोग चल रहे हैं स्विमिंग पूल में। क्या हुआ, सब्सक्राइबर ही हमारे? क्या नाम है बाबू? आर्य, देखती है? लड्डू ने बताया था इसके बारे में। चलो, काफी अच्छा लगा। तो लड्डू के भी सारे दोस्तों सबसे मिलवाते हैं, ये सारे दोस्त है इसके। एक बार सभी भाई कर दो हेलो। देख लेना ब्लॉग पे। चलो तो चलते हैं जी, ऐसे ही बच्चों सबके साथ जो है बातचीत करते करते हम लोग चलते हैं। और वहाँ जो स्विमिंग पूल जब जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं सारे बच्चे सभी हैं, बड़े लोग हैं कि नहीं, बस हम ही लोग जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम ही लोग होंगे, हम ही लोग चलेंगे। Few inches later. स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे हम सभी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और उसके पापा लोग इंतजार कर रहे हैं, ये लोग निकलेगी तो हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे पूरी मस्ती की जा रही है। ए शिवू, शिवू कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हम सभी बच्चों के साथ एंजॉय हो ये। हम सभी बच्चों के साथ ऐसा अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसको पकड़ के पैर ऊपर कर ले रहा है, मजा आ रहा है तुमको? मजा आ रहा है। तो जिया, पूजा, शिवांश, क्रियांश ये सब लोग तो नहा करके वहाँ से निकल गए, अब बारी है हमारी नहाने की। तो रुद्र भाई यहाँ पर अपना हो रहे तैयार, टोपी वोपी खरीद लिया है, हमने भी खरीद लिया है, तो टोपी जो मिलता है यहाँ पर एंजॉयमेंट करते हैं बच्चा के साथ। हम लोग एंजॉय किया, आप लोग आराम से एंजॉय करें। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं, और हमारी पूजा है जो कब का उठ गई, ये उठाने आई थी, मैं उठ चुकी थी, और यहाँ पे अपने लल्ला के साथ सोया। लल्ला के साथ साथ कौन कौन सोया मैं दिखाती हूँ आपको। इसको मैं कह रही थी कि मेरे पास सो जाओ, लेकिन इसको मेरे पास नहीं सोना था। तुम्हारे पास तो ओडियो को सुलाई थी, तो हम कहाँ से सो गए। ये देखिए ओडियो, ये देखिए
ऑडियो नाम ली तो देखो कैसे अगड़ा रहा है, ऑडियो भी उठ गया है, शर्मा रहा है ऑडियो मुंह ऐसे करके। इधर ऑडियो को देखिए, इधर हमारा लल्ला है, इधर इधर मम्मी बैठी है ऊपर में, जो है ना बहुत राज सोए हुए हैं। एक बहुत राज की बात है, क्या हम कटिहार जाएंगे ना, फिर जो जिया के साथ हम करेंगे, आप लोग को नहीं पता है क्या हम करने वाले हैं। क्या करने वाले, समझ रही है तुम? एनी गेस क्या करने वाली है? मारने वाले, पिटाई होगा तुम्हारा सासुमा, पिटाई करेंगे तुम्हारी। कोई बात नहीं, आपके पापा चाकू में बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, हम तो यही ले लिए हैं, और सच में ये यूजफुल है, बहुत यूजफुल है ना। हाँ, और ये क्या है दीदी? भिंडी। वाह, इतना अच्छे से भिंडी बनाई है दीदी। इस भिंडी का हाफ ब्लॉग शूट हो चुका है, तुम लेट हो गई। अच्छा, पूजा सूट। हाँ, कैसे बनाती है वो? कैसे बना है वो की है, और कैसा बना है वो तुम करो। देखो मैं कितना अच्छा भिंडी बना हुआ, ये बहुत सुंदर। बाकी यहाँ दीदी करेला भर के बनानी वाली है या रस वाला बनाने वाली? भर के, भर के, भर के उसी का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और इसमें क्या कीजिएगा? तो हल्दी चाहिए, हल्का पेस्ट देंगे। अच्छा, इसको हल्का सा ऐसे भून के तब पीस देंगे। हाँ, फिर भूनेंगे, फिर उसके बाद ये मसाला भून करके, फिर ये छिलका है ना, हम छील के बनाया ना। अच्छा अच्छा, ये भी डालना है। ये देख भिंडी कैसा बना, तू शूट कर ली। हम पहले से ही हम कटिंग भी कर लिए हैं, कटिंग भी कर लिए, शूट भी कर। वाह, बहुत सुंदर। नहीं, हम सिर्फ कटिंग कर रहे थे, दीदी बोली कि शूट कर लो, तो शूट किया हम। देखो कैसे, मैं अपने व्लॉग में दिखाती हूँ कैसा आया था। देखा, ऐसा था, मतलब कटिंग करते टाइम शूट नहीं किया था, बाद में ही किया। बहुत सुंदर कटा हुआ, कटा हुआ। बाकी हमारे इधर से व्यू दिखाती हूँ मैं नीचे का, इतना मस्त वाला व्यू है यहाँ पे, और मौसम भी काफी अच्छा है, बारिश हो रही। पूजा, बारिश हो रही है? पूजा, ए पूजा, हाँ, बारिश हो रही है। बारिश आने, तूफान सब आ गया था, अभी तो हो नहीं रही है, हो गया। हो रही है बारिश, अभी भी हो रही है। हाँ, हल्का हल्का हो रहा है। जो बारिश हुई है उसमें मेरा सारा कपड़ा गीला हो गया, अंदर पूरा टेबल पे देखो, उठाओ ना इन लोगों को। क्यों बार बार तुम्हें अंतरात में जगा, इसलिए हम नहीं उठे। मैं तो सर भारी है, लेट हो जाएगा फिर निकलने में। यहाँ पे हमारे पति भी सो के उठ चुके हैं, सो के उठे नहीं है, बस उठाया गया कि उठ जाइए, 8:30 बज चुके हैं, लेट हो जाएगा निकलने में। और आप कब आ गए थे ऊपर सोने के लिए? कब आ गए? 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले आए? क्रियान से ऐसे खोज रहा था पापा। तो देखा, और ही है तो सो गया आराम से। हमारा दिल्ली सोया हुआ है, पूरा रात में पेंटिंग किया है, देख सकते हैं। हाँ, तो पूरा दीवार में पेंटिंग किया, नीचे क्रियांश और ओरी सोया हुआ है, उसके बगल में हम नीचे सोए थे, पता है आपको? नीचे कोना में सोए थे, फर्श पे, धकेल धकेल के हमको नीचे कर दिया वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठिए आप रुद्र भाई को बिठाइए, रेडी होके निकलिए जल्दी, नहीं तो लेट हो जाए। और मौसम काफी अच्छा है। अच्छा, चलते। तू कहीं नहीं जाएगा, तू सो जा। गुड मॉर्निंग आप सभी को, अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि हमारा बेटा रात में सो नहीं रहा था, बार बार जग रहा था, तो मैं सो नहीं पाई सही से, तो फिर वो सुबह सोया था। यही बात हम बोले थे, यही बात। वाह, तो दोनों के साथ यही हुआ, तो दूसरे रूम में थी, मुझे क्या पता। मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। बाकी यहाँ पूजा उठ गया, दोनों भाई पेंट किया है दीवार में, लास्ट में ना मैंने छीले, दीदी का घर ना म्यूजियम बना देंगे। कितना क्यूट लग रहा है मॉर्निंग में, क्यूट बेबी, क्यूट बेबी, अच्छे से नहीं बोलना। चल तुम्हारी मम्मी को दिखाते हैं, आ जाओ। तो आज हम लोगों को कहीं जाना भी है, और सोचे थे कि मॉर्निंग में ही निकलेंगे, बताएंगे।
हाँ कहीं जाना था लेकिन मॉर्निंग में निकलना था, लेकिन क्या हुआ ना कि सभी लोग लेट से सोए और लेट से उठे। तो अब देखते हैं क्या क्या आगे का प्लान है, पति देव थोड़ा आ जाए फिर प्लान करते हैं कैसे क्या करना है। बाकी हमारे गन्नों का हाथ देख सकते हैं एकदम पैंट किया हुआ है, क्रियांस भी ऐसे ही किया हुआ है लेकिन अभी वो सोया हुआ है। जब से सोता है ना उसको प्रॉपर नींद चाहिए, और उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दो वो उठ जाता है। और यहाँ पे करेले का मसाला देख सकते हैं एकदम बन रहा है, एकदम मस्त वाला। इधर चावल बन रहा है, ये कौन सा चावल है दीदी? बीज पीस दिए है ना, हम सोच रहे थे कि दीदी बीज ऐसे बनाएंगे तो फिर बीज छांटना पड़ेगा ना, बीज को पीस के डाला जाता है। हम तो बहुत बड़ा बड़ा, हमको लगता है हफ्ते में दो या तीन दिन जरूर है हमारे घर में बन जाता है ये वाला। डैडी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दीदी का यूनिक है ना, देखो करेला परवल की तरह लग रहा है। हाँ ये पूरा एकदम छील दी है, उसका जो छिलका हुआ है वो और फायदेमंद होता है, इसलिए दीदी ऐसा करती है। गुड मॉर्निंग, इसको देखिए ही नहीं, क्रियांश तो इतना शांत से कब रहने लगा। क्रियांश तो आते थे मम्मी भी आ चुकी है, गन्नो दादी भी है यहाँ पे, दादाजी इधर देखिए हम दे दे दो गन्ने की दादी है ना, अब नहाने जा रही है समझी। हाँ मतलब सुबह ही नहा लेती है मम्मी जी एकदम टाइम पे, हम लोग थोड़ा लेट भी कर देते हैं लेकिन मम्मी यार हाँ और टाइम पे रेस्ट भी करती हैं, तो आजकल के सभी लोगों को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या बोले टाइम से खाने के बाद, वहाँ जाओ ना पापा के पास, जो पापा बोल रहे हो करो। क्या बोले पापा जी? सही बात बोल, टाइम से खाने के बाद चलना फिरना दूभर है, मुश्किल है। अब टाइम होगा तो क्या हालत होगा, घिसक के चलना पड़ेगा एकदम। तुमने भी देखा होगा एकदम टाइम पे सब, तुम अपने पापा को देखो, असम दीजिए देखो टाइम से उठ जाते हैं। मुझे उठ तो जाते हैं लेकिन उठने का नाम नहीं लेते, लेकिन हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। सही बात, जो मेरा काम दिया गया वो कम्प्लीट हमारा होता है। और इधर गन्नू है जो आराम से बैठा हुआ है, आराम से हाई करो, हाई फाई करो। वाह, मामी कर दो मामी को, वाह नजर लग जाता तुमको सबका, नजर लग जाता है तुमको, नजर लग जाता है ना, कर दो मम्मी को कर दो। वाह।